चोरी की थी, मन मेला हो गया। कोई भी ऐसा कर्म जो सभ्यता धर्म तो थल्ले मन नु मेला कर देंदा है, उसे वक्त ही कर देंदा है कि मन दी मेल नु किस तरह धोवांगे पानी ना। और मन रोज रोज मेला होंदा है। जिन्ना जिन्ना तौर तरीकियां दे नाल भारत दे प्राचीन ऋषि मुनिया ने और खासकर ब्राह्मणी समाज ने मन नू निर्मल करन दे साधन जुटाए, गुरु बाबा जी उन्हां नाल सहमत नहीं होए। तो मैं थोड़े सामने जो है रखन लगा कि मूल गल इतनी है, तन साफ सुथरा है, कपड़े साफ सुथरे ने, दुनिया नू चंगे लगदे ने, संसार नू चंगे लगदे ने, मन साफ सुथरा है, मन निर्मल है, निरंकार नू चंगा लगता है। मैले तन, मैले कपड़े, गंदे हथ समाज कबूल नहीं करता, संसार कबूल नहीं करता। मैला मन, गंदा मन निरंकार कबूल नहीं करता। और जिन्ने चिर तक मन मैला है, इसका बार बार जन्म होता रहेगा, भाव इसनू अस्थूल शरीर मिलता ही रहेगा, बार बार जन्म मरण चलता रहेगा। जेड़े साधन जुटाए गए, प्रथम ए है कि वेदां दा ज्ञान हासिल करिए, राग इत्यादिक सिखिए, ते संगीत दियां धुनां नाल मन दी मैल लै जाएगी। तरह तरह दा ज्ञान हासिल करन नाल 64 तरह दियां विद्या ब्राह्मण लोग मनदे ने, उहदे नाल मन दी मैल धुल जाएगी। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, झूठ ना रागी, पूरा शब्द मैं पहले थानू सुना दें, झूठ न रागी, झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की बेदी, झूठ न अन्नी, झूठ न नाई, झूठ न मी वरी है सब थाए, झूठ न धरती, झूठ न पानी, झूठ न पौने माए समाणे, नानक निगुरया गुण नाही कोए, मोह फेरिए मोह झूठा होए। तत्व वाली गल कर दी, झूठ न रागी, राग गायन करन दे नाल मन दी मैल, मन दी झूठ नहीं लेंदी। दुनिया दे चोटी दे सिंग जो है संगीतकार, आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार मन दे मैले देखे गए, दुराचारी देखे गए, विकारी देखे गए, कुछ भी नहीं। संगीत सम्राट है, संगीत दियां सारियां बारीकियां नू समझदा है, पर संगीत मन नू निर्मल नहीं करता, पावन नहीं करता। तानसेन किसे जमाने विच राग विद्या विच इतनी मुहारत हासिल कर गया सी, जे बसंत बहार गा लवे ते दरख्त हरे भरे हो जांदे सन, जे मेघ मल्हार गा लवे तो बदल उमड़न लग पैंदे सन। कहिंदे ने दीपक गा लवे तो बुझे दीवे जल जांदे सन, राग दी शक्ति नाल, संगीत दी शक्ति नाल, आवाज दी शक्ति नाल। इतनी गलती स्पष्ट है कि आवाज दी बड़ी ताकत है, बड़ी जान है। मेरी समझ दे बाद गल आई, जब 10-15 मजदूर किसी वजनी चीज नू चुक देन ना भारत दे, तो हल्ला कर देन, शोर कर देन, उची उची धुन अलाप देने। फिर मैं मलेशिया च भी देखिया, वड़ियां वड़ियां शतीरां च चुक देने, 10-10 ही उच्चा उच्चा हल्ला करी जाते ने, और इको सुर दे। मैनू हैरानगी, चुकनी ते शतीरी है ते हल्ला पाण दा की मतलब है? चुकना एक लोहे दा गार्डर है कि 10-20 बंदे इतना शोर करी जांदे ने। बाद च एक गल पकड़ दे चाहिए, 80% इन्हां दा शरीरक बल कम करेगा, 20-25% वो आवाज दी शक्ति कम करेगी, वो नाल जुड़नी चाहिए।
देवड़ी शक्ति हो जाएगी आवाज दे नाल। हैरानगी हुई मैनू, आवाज एक शक्ति, शब्द एक शक्ति, चाहे वह शब्द संसार दे तलते ने ते चाहे वह शब्द निरंकार दे तलते ने, बड़ी प्रबल शक्ति रखते ने, अपने आप दे च बड़ी ताकत रखते ने। तो बड़ी शक्ति सी तान सहन कोल, गा के बुझे हुए दीवे जला देंदा सी दीपक राग। बसंत बहार गाणा ते दरख्त हरे भरे हो जाना, मेघ मलार गाणा ते बरखा होण शुरू होण पई, बारिश होण लग पैंदी सी। इन्हां करामातां नूं देख के अकबर तानसेन दा पैरोकार बन गया सी। लेकिन तानसेन खुद भयभीत सी, स्वामी हरिदास जा थे चेला, ते अकबर दा चलाया होया दीने इलाही इसने कबूल कर लिया सी, अपने धर्म विच नहीं रहा सी, डर गया सी। राग ने उसनू निडर नहीं बनाया, बेखौफ नहीं बनाया। डरिया होया मनुख कायर होंदा है, जो डरे कायर है, जो डरावे जालम है, दोवें भगत नहीं हो सकते। तो तानसेन भगतां दी दुनिया च नहीं आ सकया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते ने, भय काहूं को देत ने भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ओ ज्ञानी है कौन, ना किसे नू डरांदा है, ना किसे को डरदा है। डरांदा कौन है, जालम। डरदा कौन है, कायर। भगत कबीर कहते ने, प्रभु दे गीत गांदिया गांदिया मेरी ए मानसिक अवस्था बन गई है कि कहत कबीर राम गुण गाओ, आप ना डरो ना अवर डराओ। कबीर राम दे गीत गांदिया गांदिया मैं इस अवस्था ते पहुंच गया, ना हुण मैं किसे कोल डरदा, ना मैं किसे नू डरांदा, ना किसे दा दबाव मैनू कबूल है, और ना मैं किसे ते दबाव पाना। उंज वी ये सही है कि जो घटना मेरे लिए हानिकारक है वह दूजे लिए भी हानिकारक है। जिसनों मैं नहीं पसंद करता उसनों दूसरा भी नहीं पसंद करता। बेइज्जती मैनू नहीं चाहिए, दूसरे नू भी नहीं चाहिए। दबाव मैनू भी नहीं चंगा लगता, दूसरे नू भी नहीं चंगा लगता। तो जिहड़ी गल तू अपने लिए पसंद नहीं करता, दूजे लिए क्यों पसंद कर रहे हैं, दूजे लिए क्यों चाह रहे हैं। कहत कबीर राम गुण गाओ, आप ना डरो ना अवर डराओ। लेकिन तानसेन भयभीत मनुख सी, डरिया होया मनुख सी, राग नाल मन दी झूठ नहीं उतरी। इस वक्त भारत दे चोटी दे संगीतकार ने और सारी दुनिया दे च ने, विकार उना दे नाल जुड़े हुए ने, हंकार उना दे नाल जुड़े होया, प्रबल लोभ उना दे नाल जुड़े होया। राग ने उना दे मन नू शुद्ध नहीं कीता, निर्मल नहीं कीता। झूठ न रागी झूठ न वेदी, वेदां दी विद्या हासिल कर लईए, होर तरह तरह की विद्या हासिल कर लईए, इस तरह के ज्ञान नाल भी भगवान की प्राप्ति नहीं आती, हिरदे की शुद्धि नहीं आती। बल्कि जितना ज्ञानी हो जाता उतना अहंकारी हो जाता है, ये कुदरती गल है। जितना जानकार हो जाता है उतना अहंकारी हो जाता है। ये सदी पहले नालों बहुत ज्यादा जानती है। अज दे नौजवान बच्चे बुढ़े प्यो नूं कह देंदे थानू नहीं पता, क्योंकि नवीं खबर लेके आया है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तो नवीं खबरां लेके आ गया, नवीं सूचनावां लेके आ गया, नवा ज्ञान लेके आ गया, नवीं समझ लेके आ गया, प्यो दे जमाने च नहीं सी। तो थोड़ा जिहा संसारिक विद्या विच अगे होया ए बच्चा इतना हंकारी हो जांदा, प्यो नूं कुछ भी नहीं समझदा, मां नूं कुछ भी नहीं समझदा, ये की जानदे ने, इन्हां नूं कुछ नहीं पता।
ठीक है, संसार बारे तो ज्यादा जानता होगा, पर हो सकता जीवन बारे तो कुछ भी ना जानता हो। जिंदगी दी पौड़ियां ते प्यो ज्यादा चढ़िया है, मां ज्यादा चढ़ी है, तो कहिंदे उम्र भी उस्ताद आउंदी है, उम्र भी कुछ सिखांदी है, उम्र भी कुछ अनुभव देंदी है। इस वास्ते भारत विच वडेरी उम्र का सन्मान करन वास्ते आख्या कि जिंदगी दी पौड़ियां ते ज्यादा चढ़िया है, चलो होर कुछ नहीं जानदा होगा, कम से कम जिंदगी बारे तो जानदा होगा। इन्हें बड़े उतार चढ़ा देखे, पर अज दी नवी विद्या मनुख नूं इतना अहंकारी बनांदी है कि अहंकार दे सामने मां बाप छोटे जो है छोटे पै जांदे ने, गुरु उस्ताद छोटे पै जांदे ने, किधरे किधरे परमात्मा भी छोटा पै जांदा है इन्हां अहंकारियां दे सामने। तो जो छोटा पै गया उन्हूं मनण दी की लोड़ है, जो छोटा पै गया उन्हूं झुकण दी की लोड़ है। तो मां बाप दा, उस्तादां दा, गुरु पीर पैगंबरां दा, परमात्मा दा सन्मान अज दी सदी विच खो गया अहंकार। विद्या ने मन मैला कर दिता। कबीर भी कहिंदे ने हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी, ऐ मन दे झूठे की पानी पिए बिलोना। पानी विचों मक्खण नहीं निकलदा। जिस ज्ञान ने अभिमानी बना दिता है, उस ज्ञान नूं ज्ञान आखण दी लोड़ भी की है? ठीक है, ज्ञान दीवा होवेगा, रोशनी होवेगी, पर इस दीवे नाल ते घर जल गए, इस दीवे नाल ते घर जल के राख हो गया। जिस ज्ञान ने हंकार पैदा कर दिता है, वह ज्ञान गुरु नानक दी दृष्टि च ज्ञान नहीं है। इस वास्ते गुरु बाबे नूं कहना पिया कि पढ़िया मूर्ख आखी है जित लब लोभ अहंकार। दुनिया दे कुछ अनपढ़ मूर्ख होंदे ने, दुनिया दे कुछ पढ़े लिखे मूर्ख होंदे ने, और पढ़े लिखे मूर्ख बड़े खतरनाक होंदे ने। ये भी महर्स करते हैं, होर भी महर्स करते हैं। 400-500 साल पिछे चले जाओ, अनपढ़ सियाणियां दी तादाद बहुत ज्यादा सी, बहुत ज्यादा सी। इस सदी दे च पढ़े लिखे मूर्खां नाल सारा संसार भर गया है। इस वास्ते इस समय बड़ी अनारकी फैली हुई है सारी दुनिया च, मनुख बेचैन, पढ़े लिखे मूर्खां नाल भर गया है। वो पढ़ा लिखा भी महामूर्ख है जो महाअहंकारी है, महाविकारी है ते महालोभी है। तो इस तरह की पढ़ाई ने मनुख नूं सदाचारी नहीं बनाया, विकारी बनाया, निर्माण नहीं बनाया, अहंकारी बनाया, साबर ते संतोखी नहीं बनाया, लोभी बनाया। इते ऐसा दीवा जिस नाल घर ही जल के खाक हो गए। उस्ताद जौक कहिंदे ने, हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे। कहिंदा मैं पढ़न वास्ते गया बड़े बड़े उस्तादां कोल, और ए मन विच आस रख के कि मैं बहुत कुछ जान लवांगा, बहुत कुछ जान लवांगा, बड़ा ज्ञानी बन जावांगा। हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि न जाना कुछ भी। पढ़ पढ़ के मैं ए जाने है, हुण मैं ऐलानिया कहिंदा मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, पढ़ के मैनू इतना पता चलिया, समझ के मैनू इतना पता चलिया, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जानन वास्ते ते वड्डा सागर पिया है, ते की होया, ज्ञान दे सागर दे चो एक चम्मच पानी दी मिल भी गई ते की मिली? कुछ भी नहीं। ज्ञान नाल निर्माणता आ जाए तो उसका सही उपयोग हो गया, हंकार आ गया तो गलत उपयोग हो गया। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने, तरह तरह दियां विद्या हासिल करन नाल, वेद पाठी बनन नाल मन दी मैल नहीं जांदी, झूठ नहीं उतरदी। झूठ न रागी, झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की भेदी। 10 पुरब ने और 10 तरह के पापां नूं हरण वास्ते वो कहिंदे ने 10 पुरब ने।
जिहदे च कुछ पूर्व चंद्रमा दे ने ते कुछ पूर्व सूरज दे ने। जैसे संग्राम सूर्य ग्रहण इत्यादक एते सूरज दे पूर्व ने, पर पूर्णमाशी पहली दा चंद्रमा चंद्र ग्रहण इस तरह दे इतवार चानना इत्यादक ये चंद्रमा दे पूर्व ने कुल मिला के हिंदू लोग दस मनते हैं। दस पूर्व ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने इन्हां लोकां दी मनौत है कि दस पूर्व सदा दशहरा। ये दस पूर्व दस दोखां नूं हर देंदे ने, मिटा देंदे ने, दस तरह के पापां नूं, मन दे पाप, बाणी दे पाप, शरीर दे पाप। जबान गलत बोलती है, जबान फिका बोलती है, जबान कौड़ा बोलती है, ये बाणी दे दोख मने गए ने। हथा ने चोरी की है, शरीर ने दुराचार किया है, या शरीर ने कतल किया है, शरीर दे दोख मनते ने। मन गलत सोचता पिया, गलत फैसले पिया करता है, गलत यादा दे डुबिया होया, ये मन दे दुख मनते ने। ये जिहड़े दस तरह के पाप ने, बाणी दे पाप, मन दे पाप, शरीर दे पाप, वो कहिंदे ने चंद्रमा ते सूरज दे जिहड़े त्यौहार ने ना, संग्रांद, पूर्णमासी, प्रथम चानना, इतवार चानना, चंद्र ग्रहण, सूरज ग्रहण इत्यादक, ये दसां दोखां नूं नाश कर देंदे ने, दसां पापां नूं नाश कर देंदे ने। महाराज कहिंदे ने इस दे नाल दस पाप दूर नहीं होंदे। झूठ ना चंद सूरज की भेदी, ये चंद्रमा ते सूरज दे जिहड़े वख वख पुरब ने, इहदे नाल ये दस पाप नहीं धुलदे, ना संग्रांद मनाण नाल, ना पूर्णमाशी मनाण नाल। बहुत सारे साधु तो हुण हैरान आ, बस डेरियां च पूर्णमाशी नूं ले आए ने, गुरमत सिद्धांत नूं ते उन्होंने कढ ही दिता है। कहिंदे ने भाई मनी सिंह ने बाणी दी तरतीब अपने ढंग नाल कर ली सी, पहले पातशाह दी बाणी, दूजे पातशाह दी, तीजे पातशाह दी, चौथे पातशाह दी, इस तरह कर ली सी। गुरु अर्जन देव जी ने मना किया, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मना किया, झाड़ पाई, तू ज्ञानी सिंह हो के अनर्थ किया, इहदी तरतीब ओही कर जो गुरु अर्जन देव जी महाराज की बनाई हुई है। ज्ञानी जी की यह समझ सी कि पहले पातशाह की सारी बाणी इको जगह कर दी है, दूजे की इको जगह, तीजे की इको जगह, चौथे की इको जगह, पंजे इको जगह कर दी है। पहले पातशाह के शब्द किधरे ने, पंजवें किधरे ने, चौथे दे किधरे ने, तीजे दे किधरे ने, तरतीब अनुसार ऐसा किया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने प्रवानना किया। हुण डेरिया के छपे सुखमनी साहब के गुटके, सुखमनी साहब की सारी तरतीब बिगाड़ के रख दी है, और साढ़े डेरे की मर्यादा अनुसार जी पाठ करो, गुरमत दियां तजियां उड़ा दो, बाणी का तस्कार कर लो, गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कर लो, तो साढ़े डेरे की मर्यादा अनुसार सुखमनी साहब का पाठ करो, तो अकल दे अंधे कर देना। अकल दे अंधे ये भी नहीं सोचते कि गुरबाणी की बेदबी हो गई, इहदा मतलब गुरु अर्जन देव जी नाल भी तुसीं ज्यादा सियाणे हो गए कि बाणी की तरतीब पर बदल दे। सुखमनी सुख अमृत प्रणाम जिथे लिखिया उत्थे ही रहना चाहिए, पर नहीं, इन्होंने तरतीब बदल दी है, साढ़े डेरे की मर्यादा अनुसार। कल नूं ते तुसी सारी बाणी बदल के रख दोगे और उपर मोर ला दोगे थोड़े डेरे की मर्यादा अनुसार, तो फिर तो गुरु ग्रंथ साहब कुछ भी ना हो। अकल दे अंधे इस तरह बाणी बदल देंदे ने, ते अकल दे अंधे इस तरह का पाठ करते हैं, गुस्ताखी माफ अंधे ही कर सकते हैं। सुजाखे ते कहणगे नहीं, जो गुरु ग्रंथ साहब की तरतीब है, किसी नूं बिगाड़न का हक नहीं, किसी नूं अगां पिछां करन का हक नहीं। पर हुण कीता की जाए, मनुख सूझवान होवे, खास करके ये सदी पढ़े लिखे मूड़ां नाल भर गई है। पढ़िया मूर्ख आखीए जित लभ लोभ अहंकार, तो धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, झूठ ना रागी, राग गायन करन नाल मन की झूठ नहीं लैंदी, चाहे कितना ही संगीत सम्राट हो जाए।
और बड़े बड़े संगीत सम्राट में देखे न कुछ भी नहीं। झूठ न वेदी बहुत वड्डी विद्या हासिल कर लैण नाल ते वेदां दे पाठ नाल मन दी झूठ नहीं लैंदी। बड़े बड़े धर्म ग्रंथां दे पाठ करन वाले में पाठी देखे ने झूठे ही देखे ने, गुस्ताखी माफ कुछ भी नहीं। झूठ न चंद सूरज की भेदी, चंद्रमा ते सूरज दे पुरब मनाण नाल पूरनमाशी मनाण नाल ते प्रथम दा चंद्रमा पहली दा चंद्रमा मनाण नाल सिंधी लोग मुसलमान लोग जिस दिन पहली दा चंद्रमा निकलदा है ना उसनु पवित्र दिहाड़ा मनदे है। हिंदू लोग पूरनमाशी चंद्रमा पूरा हो गया महीना पूरा हो गया उस दिन नु खास मनदे है। अपना अपना ढंग। सूरज एक रास नु छड़ के दूसरी रास दे जद प्रवेश करदा है उन्हें कहते हैं सूर्य क्रांति। सूरज द्वारा क्रांति, सूरज द्वारा पलटा, संक्रांत पंजाबी उच्चारण हो गया संग्रांत। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सूरज ते चंद्रमा दे जिहड़े पुरब ने ना ये मनाण नाल मन दी झूठ नहीं लैंदे। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ, दस पुरब सदा दसा हरा, हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरणी धरा। गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ, दस पुरब यही दस पुरब ने की गुरु दा ज्ञान शब्द दी विचार। दस पुरब सदा दसा हरा और यह हमेशा ले दसा पापा नू मार के रख देंदा है। बाहो जबान शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, शरीर गलत नहीं करता। वो मनते ने चार दोख बाणी देने, तीन दोख मन देने, तीन दोख शरीर देने, इस तरह वो दस दोख मनते ने। दस पुरब सदा दस आहरा ये दस पुरब मनाण नाले दस पाप धुल जाते हैं। बाणी दे पाप, शरीर दे पाप, मन दे पाप, जबान दे बा पाप जो मिथ्या बोल दिए, कौड़ा बोल दिए और कुरख्त बोल दिए और नाले गलत बयानी कर दिए, चुगली कर दिए। ये जो जबान दे दोख ने जबान निर्मल हो जाती है, सुची हो जाती है। गुरु नानक सहमत नहीं, इत नाम जपत गोविंद का सुची भई रसना, इस तो बिना नहीं होती। झूठ बोल रही है रसना झूठी है, कौड़ा बोल रही है रसना झूठी है, फिक्का बोल रही है मिथ्या बोल रही है रसना झूठी है। गलत सोच रहा है, गलत यादां दे डुबिया होया, गलत विचार चल रहे ने, ये मन पाती है। हाथ गलत कर रहे ने, पैर गलत पासे जा रहे ने, तन पापी है। इन्हां हत्थां ने चोरी कर ले, इन्हां हत्थां ने दुराचार कर ले, इन्हां हत्थां ने कतल कर ले, ये तो शरीर पापी है, ये मन पापी है, ये जबान पापी है, मिथ्या बोल दी है, कौड़ा बोल दी है, फिक्का बोल दी है। इन्हां दस पापां करके करोड़ां तरह के पाप जमा हो जाते हैं। कुछ जबान पाप करती रहती है, कुछ मन पाप करता रहता है, कोई हाथ पैर करते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो हिंदू प्राचीन ऋषियों का ऐसा कहना है जिहड़े दस पुरब ने चंद्रमा ते सूरज दे, इहदे नाल ये दस पाप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। तो गुरु बाबा जी ऐलानिया कह रहे हैं झूठ न चंद सूरज की भेदी, ये चंद्रमा ते सूरज दे जिहड़े दस पुरब ने मनाण दे नाल मन दी झूठ नहीं लैंदी, बाणी दी झूठ नहीं लैंदी, तन दी झूठ नहीं लैंदी, बाह कीते हुए गुनाहां दी झूठ नहीं लैंदी। झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई, अन्न दा दान करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी, भावें कितना ही दान नहीं आवे। मैं उस दिन अर्ज कीती सी इस वक्त भारत दे सब तो वड्डा दानी है बिरला, हर वड्डे शहर विच बिरला मंदिर है, मार्बल दे बने हुए, शुद्ध संगमरमर साफ कीमती
और बहुत अच्छा वधिया संगमरमर दिल्ली विच, हैदराबाद विच, जयपुर विच, बॉम्बे विच, कलकत्ते विच, बड़े बड़े शहरां विच और सारे तीर्थां ते बिरले दे मंदर। उन्हां मंदरां दे साधुआं लई अन्न शेतर भाव, अन्न दा दान लंगर चलदा है साधुआं लई। सर्दियां दे दिनां च उन्हां नूं बस्तर मिलदे ने और कंबल मिलदे ने। करोड़ां दा दान वो हर साल करदा है। बहुत सारियां उहदियां कपड़े दियां मिलां, कारां दे कारखाने, लोहे दे कारखाने, वो शायद अपने कारखानियां दी भी गिणती ना कर सके, इन्ना ना अपनी फैक्ट्रियां दी गिणती ना कर सके। तो करोड़ां दा दान करदा है। तो हुण कह दईए, चूंकि उसने सैकड़े मंदिर बनाए ने, महान है। नहीं, कबीर ने एक मंदिर भी नहीं बनाया, और ना बना सकता सी, ना उसके कोल इतना धन सी, पर करोड़ां बिरले कट्ठे कीते जान कबीर दे चरणां दी खाक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज कर दें, झूठ ना अन्नी, झूठ ना नाई, अन्न दा दान करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी, और तीर्थां दा इशनान करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। बीजक नाम एक ग्रंथ है कबीर पंथियां दा, कबीर दी बाणी दे नाल नाल उस दे धनी राम दी बाणी भी है, जो कबीर दा चेला सी, कबीर तो बाद कबीर पंथ दा प्रचार करदा रहा, और उसने भारत दे बड़े मठ बनाए। कुछ उस दे बोल भी कबीर दे नां ते दर्ज ने उस बीजक दे च। वो कहिंदा है, जट बड़ाए जोनर तर हैं, मोर क्यों ना कर हैं, जिनके लंबे लंबे पर हैं। एक सज्जन ने इन्हां पंक्तियां नूं अगे करके केसां दा खंडन कीता सी, धनी राम नूं भी और कबीर दियां होर पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिब दे च। कबीर प्रीत इक स्यों की है, आन दुबदा जाए भावे लांबे केस कर भावे करर मुड़ाए। बस एक दे नाल प्रीत पाले, भावे केसा नूं कस के मुन छड़ ते भावे लंबे करके, इहदा रब दी प्राप्ति नाल की मतलब। कबीर दे सलोक नूं लै के ते केसां दा खंडन करी जाए, क्योंकि खुद जो केस नहीं सन, तो उहनूं इह सलोक लभ पिया। उहदी बदकिस्मती समझो, उस तों बाद फिर मेरा टाइम सी बंबे दी गल, ते मैं कि ठीक है, मैं तो इसे पाल च रहिंदा ही हाँ, मैनू तो मौका मिल गया, ये जो रोज हर थां ते सुनाई जांदा है, पर करां कि मैं बोल जांदा सी, पिछे बोलदा सी, पर अज मैनू मौका मिल गया। कबीर प्रीत एक स्यों की है, आन दुबदा जाए भावे लांबे केस कर भावे करर मनाए। बोड़ दा दुध पाके लंबे केस करदे ने दस दस पंद्रह पंद्रह फुट जोगी लोग, बोड़ दे दुध नाले लंबे हो जाने, जटावां बनांदे ने और जटावां दी दस्तार सजा के सिर ते बंदे ने, और कस के मुंदे ने जैनी, जैनी उस्तरे नाल कैंची नाल केस नहीं मुंदे, दो तीन घंटे राख पाके पहले सिर दे केसां नूं जोर जोर नाल रगड़नगे, एक एक वाल पुट्टणगे। जिस दिन जैनी साधु दा मुंडन आउंदा, जोर दे वाजे वजाए जांदे ने, मंदर दे बड़ी भीड़ आउंदी है, भंडारा आउंदा, सारे जैनी शहर दे कट्ठे आउंदे ने, वे साधु दा मुंडन हो रहा है, उस विचारे दियां चीखां निकल जांदियां ने, पर उस शोर शराब विच कोई सुनाई नहीं दिंदा, एक एक केस जो पुट्टना है। जैन मार्ग संजन अत साधन, बड़ी करड़ी साधना है, कस के मुंडे ने एक एक पेस जो है केस नूं पुटदे ने, कैंची ते उस्तरे नाल नहीं मुंडे। ते जोगी लोग बोड़ दा दुध पा के केस लंबे करदे ने, ते मैनूं उत्थे कहना पिया, असी बोड़ दा दुध पा के केस लंबे नहीं करदे, ते राख पा के सिर नूं कस के केसां नूं घस के दाड़े ते सिर दे केसां नूं दो दो तीन तीन घंटा कस के इन्हां दियां जड़ां हिला के केस नूं नहीं पुटदे, कि रब जितना रखता उतने रहिंदे ने, बस असी उतने ही कबूल करते हैं, ना घस के मुंदे हैं ते ना ही बोड़ दा दुध पा के लंबे करते हैं। तो इस श्लोक का साढ़े नाल की मतलब,
कबीर प्रीत एक स्यों की है, आन दुबदा जाए भावे लांबे केस कर भावे घर मुड़ाए। ते मैं क्या मित्र नू कम से कम दूजा श्लोक भी कबीर दा पढ़ लेना चाहिए। कबीर दा एक दूसरा श्लोक भी है, कबीर मन मोड़िया नहीं केस मुड़ाए काए, जो कुछ किया सो मन किया मुंडिया मोड़ अजाए। मुनना सी मन नू तू अपना सिर मन बैठा है, एक ही कीता था भगत कबीर। उसके बोल रहे थोड़े सामने मैं रखे ने, कबीर दी गद्दी ते बैठे सन भगत धनी राम। इन्होंने कबीर पंथ दा प्रचार कीता। तो एक कहिंदे ने जट बड़ाए जो नर तर है मोर क्यों ना तर है जिनके लंबे लंबे पर है। गंग नहाए जो नर तर है मेंढक क्यों ना तर है जिनके गंगा में घर है। शंख बजाए जो नर तर है गधे क्यों ना तर है जिनके शंख जैसे सुर है। कहत कबीर सुनो रे संतो वही नर तर है जिनके हृदय में हर है। तनी राम ये फोके कर्म कांडिया नाल गल नहीं बनती और व्यर्थ दे झमेलिया च पहन वाले नाल गल नहीं बनती। प्राकृतिक नियम नू कबूल करो। नाखुन जेडे मुर्दा ने वो असी कट देने, जिंदा नाखुन कटिए तो खून वगेगा। केस केड़े मुर्दा ने सड़िया उंगलियां नू हत्थां नू नहीं पता चलता, कंगे नू पता चल जाता है। कंगा करदे मुर्दा केस आप ही चढ़ जाता है। रोज नवे पैदा होंदे और केस भी रोज मरदे जैसे नाखुन रोज मुर्दा होंदा। और जिंदा केस नू अगर चरीटोगे तो दर्द आउंदी है, मुर्दा केस आप ही चढ़ जाता है। रोज केस मरदे ने रोज नवे पैदा होंदे ने। इस वास्ते ते रोज उस तरह से कैंची बंदियां नू पकड़नी पैंदी क्योंकि रोज जो नवे पैदा होंदे ने और मरदे दम तक पैदा होंदे ने। मैं ते इत्थे तक सुनिया है कि शरीर दी मौत हो गई प्राण निकल गए ने तां वी दो चीजा कुछ दिनों तक वधदियां ने। जिहड़े कबरां विच मुरदे दफन कीते जांदे नाखुन वधदे ने केस वधदे ने मुरदे दे वी वधदे ने। इहदा मतलब है कोई रब ने इन्हां दी कोई जरूरत नू महसूस कीता है। खैर मैं मुख्तसर जो है अर्ज करा, भावे लांबे केस कर भावे घर मुड़ाए। सिख जमात नाल इस श्लोक का कोई मतलब नहीं, ना सिख बोर्ड का दुध पा के लंबे करते हैं तो ना ही जैनिया की तरह कस के जो है मुंडन करते हैं। जितना रब रखता उतने रेंदे ने। हुण मैं देखदा ए 20-30 साल तो मेरा दाड़ा इत्थे ही है, ना वधदा ना घटदा। पर जिहड़े रोज उस तरह चुकदे उन्होंने तो मरदे दम तक वधदा है ना, मरदे दम तक वधदा रहेगा। उन्होंने मरदे दम तक जंग करनी पैंदी, सानू जंग करन दी लोड़ नहीं। थे लोक गल मुक्के ना ये वधदा ना घटदा। इन्हां केसां दी और इस दाड़े दी रूहानियत दे नाल तल्लुक की है, खासियत की है, किस वक्त फिर पर मैं अर्ज करां कबीर इस तरह के पखंड नूं अहमियत नहीं देंदे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई, तीर्थां दे शनान करन नाल दे मन दी झूठ नहीं लैंदी। झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई, झूठ ना मीह वरी है सब थाई। जिदे बारे कहिंदे ने इंद्र देवता सारी थां ते मीह पांदा है, उस देवते की पूजा करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। झूठ ना धरती झूठ ना पानी, झूठ ना पौने माए समाणी। धरती दे च भोरा बना लिए गुफा जी, संत जी गुफा च बैठे ने तो गुफा च बैठे ने अपना झूठ छुपा के ही बैठे होणगे और की है। गुफा दे च रहण नाल कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जांदा। झूठ ना धरती झूठ ना पानी, कुछ जल धारा कर देन पानी दे च खड़े हो जाने ऐन गर्दन तक डूंगे पानी च खड़े होके मंत्रां दा जाप करदे ने, शरीर नूं कष्ट देंदे ने। ते जिहड़ा परमात्मा ये चाहता कोई बंदा अपने शरीर नूं कष्ट देवे ते उसनूं मैं मिलांगा, इस तरह के परमात्मा नूं रहीम रहमान करुणाकर दयालु आखण दी की लोड़ है। महाराज कहिंदे नानक सो प्रभ सिमरिए तिस दे ही को पाल,
ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਾਇਆ, ਕਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਝੂਠ ਨਾ ਧਰਤੀ ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਉਣੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਮੈਂ ਸਵਾਣੀ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਯਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਨੁਗੁਣਿਆ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਮੋਹ ਫੇਰੀਏ ਮੋਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ? ਝੂਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੇ? ਇਹ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ? ਤੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਨਾਨਕ ਚੁੱਲੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜੇ ਬਰ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ, ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਉ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਚ ਦਿਆਨ। ਪਾਣੀ ਚਿਤ ਨਾ ਧੋ ਪਈ ਮੁਖ ਪੀ ਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੱਚੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਈਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾ ਜਤ ਹੋਏ। ਸਰੋਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਸੁਰਤੇ ਚੁਲੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਜੋਗੀ ਕਾਗਤ ਜਤ ਹੋਏ। ਸਰੋਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋਗੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਤੀਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਵਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ, ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇਗਾ? ਅਗਰ ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਵਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਲਬਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਖੁਦ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੁਲੀ ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਝੂਠ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਰਹੀ ਕਾ ਸਤਦਾਨ, ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਉ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਤ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੇਦ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਕਿਤਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਉ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੱਚ ਧਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲੀ। ਰਾਜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਤੋਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸਾਂਗੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 11:30 ਸਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸਰਵਨ ਗੀਤੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ